हाय गाइस, वेलकम टू मोनेटाइज। आज का ये टेक्निकल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशली निफ्टी ट्रेडर्स के लिए। बहुत सारे निफ्टी ट्रेडर्स जो फंसे हुए हैं मार्केट में बिकॉज जियो पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। रशिया यूक्रेन की जो वॉर सिचुएशन है उसकी वजह से सारी की सारी ग्लोबल मार्केट्स बहुत ज़्यादा बेरिश प्रेशर में हैं। सो जाहिर सी बात है इंडियन मार्केट्स भी प्रेशर में हैं। तो जो निफ्टी ट्रेडर्स ऑलरेडी मार्केट में इन्वॉल्व हैं और जो पोजीशंस होल्ड करके बैठे हैं वो डेफिनेटली वो जानना चाहते हैं टेक्निकली कि मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है, और कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो वेट कर रहे हैं एंट्री लेने के लिए। तो कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे एंट्री बनती है वो देखते हैं चार्ट्स के ऊपर। लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग द टेक्निकल एनालिसिस। हम स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली पे सबसे पहले मैं काम करता हूँ फिब रिट्रेसमेंट टूल लेके स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्किंग कर लेता हूँ। डन। इसके ऊपर फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स हमारे मार्क हो गए हैं। पहला रिट्रेसमेंट लेवल 23.6% इन नंबर्स एंड वैल्यू ये है 15,957, और ये मंथली कैंडल है जो एग्जैक्टली अभी उसी लेवल पे पहुंच चुकी है। लेट्स स्विच टू वीकली नाउ। ओके, वीकली पे ऑलमोस्ट मार्केट 15,950 टच हुई थी, या राउंड ऑफ में 16,000 पे टच हुई है। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, एक चैनल ड्रॉ करते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हमारी जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, करेक्शन स्टार्ट हुई, तो ये लेवल जो था 15,957 का, ये एक सपोर्ट लेवल है और ये कोइंसाइड कर रहा है इस फॉलिंग चैनल के बॉटम बाउंड्री पे। तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है अभी मार्केट के लिए, 15,950 to 16,000। अब मेन जो ऑर्डर्स एक्यूमुलेटेड थे प्रीवियसली वो थे इस रेंज के अंदर। ये आप देखो, ये वीकली चार्ट है और ये एक ऐसी रेंज थी जहाँ पे बहुत ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हुए हैं काफ़ी टाइम तक। मार्केट यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑलमोस्ट 8 हफ्ते, विच इज़ अ प्रीटी लॉन्ग पीरियड, मतलब 2 महीने के करीब इसी रेंज में स्टक थी, विच वॉज इन 2021 जून एंड जुलाई। तो रिट्रेसमेंट के टाइम पे मार्केट यूजुअली प्रीवियस मेजर जोन्स तक डेफिनेटली पहुंचती है, और वो मेजर जोन्स होती हैं जहाँ पे आपके ऑर्डर्स एक्यूमुलेटेड हो, जो आपके फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स हों, या आपके ट्रेंड लाइंस के थ्रू सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जोन्स हों। तो वो सारे के सारे जोन ऑलमोस्ट यहीं पर हैं। इसीलिए मैंने अपने पहले वीडियोस में कहा था कि मार्केट 16,000 से लेके 15,500 के बीच में जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और जो मेन बात नोटिस करने की है वो ये है कि अभी भी MACD हिस्टोग्राम डाउनवर्ड प्रेशर में है, तो बेरिश प्रेशर अभी भी है मार्केट में, कोई भी बेरिश प्रेशर जो है वो कम नहीं हुआ है। लेट्स सी फर्दर डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। डेली इज अगेन बेरिश एज पर MACD हिस्टोग्राम एंड MACD मूविंग लाइंस। RSI जरूर ओवरसोल्ड एरिया में पहुंच चुका है, लेकिन चैनल बॉटम, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइंस, उसके अलावा MACD पे कोई भी रिवर्सल साइंस अभी तक नहीं है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, रिवर्सल
कैसे कंप्लीट होगा वो समझ लेते हैं। लेट्स मार्क द फॉलोइंग ट्रेंड लाइन। तो बुलिश सिनेरियो के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए ब्रेक ऑफ दिस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन, उसका रीटेस्ट एंड देन मूव अपवर्ड। अब वो अपवर्ड सिनेरियो जो है वो ये मिड ऑफ द चैनल तक हो सकता है या टू द टॉप ऑफ द चैनल हो सकता है। वो कहाँ तक होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी तक बुलिश कन्फर्मेशन नहीं है। बुलिश कन्फर्मेशन तब बनेगी जब ये फॉलोइंग ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ब्रेक कर जाए। सेकेंडली जो बुलिश सिनेरियो है उसके लिए हमें चाहिए होता है प्रीवियस हाई का ब्रेक। द प्रीवियस हाई इज दिस वन। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल इसलिए है, सपोर्ट और यहाँ पे इसने एक्ट किया एज रेजिस्टेंस, तो ये एरिया भी ब्रेक होना ज़रूरी है। लेट्स सी, ये है अराउंड 16,800। तो एक पहली कंडीशन बुलिश कन्फर्मेशन के लिए ब्रेक ऑफ दिस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन, सेकंड कंडीशन 16,800 के ऊपर क्लोज मिले हमें। तो मैं वेट करूँगा मार्केट के ये लेवल ब्रेक होने की, और यहाँ पे फिर मैं रीटेस्ट पे बाइंग कर सकता हूँ फॉर द लेवल्स अराउंड 18,000। ये एक सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो, अगर ये नहीं होता और मार्केट इस बॉटम को भी ब्रेक कर देती है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, उसके लिए हमें काम करते हैं हम करेंगे ड्यूप्लीकेशन ऑफ पैरेलल चैनल। अगर ये वाला चैनल ब्रेक होता है तो उसके नीचे हमने उसी चैनल को डुप्लीकेट कर दिया और उसका जो मिड रेंज है वो एग्जैक्टली जाके कोइंसाइड कर रहा है नेक्स्ट फिब लेवल पे, विच इज़ अराउंड 14,373। तो पहला सिनेरियो, वी नीड अ ब्रेक अबव दिस फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो कि फॉलिंग चैनल के अंदर है, देन वैलिड ब्रेक अबव 16,800 टू कॉन्टिन्यू हायर। ऑल्टरनेटिव सिनेरियो, मार्केट अगर लेट्स से यहाँ तक जाती है एंड देन ब्रेक्स द चैनल रीटेस्ट एंड इट विल रीच 14,300 और 14,400। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं आने वाले दिनों में। अब लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करती है तो हमें उसको कैसे कैप्चर करना है। फोर आवर टाइम फ्रेम पे एक चीज़ जो है फेवरेबल वो ये है कि ये लास्ट दो मिड पॉइंट्स लास्ट दो लो पॉइंट्स में बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। तो एक सीन और ये होगा प्रोबेबिलिटी कि ये वाला जो मूवमेंट है ये और एक लो क्रिएट करेगा और यहाँ पे भी और एक लोअर लो क्रिएट होगा और यहाँ पे MACD पे और RSI पे हायर लो क्रिएट होगा, विच विल बी अ बुलिश डाइवर्जेंस, सेकेंड बुलिश डाइवर्जेंस। तो ये जो जोन है जो मैं बता रहा हूँ कि 15,500 से 16,000 के बीच में एक सपोर्ट जोन है, वहाँ से हमें एक बुलिश बाउंस मिल सकता है और वहाँ से हम शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं निफ्टी की, और यहाँ से जो बाइंग होगी हमारी, लेट मी जूम इन, ओके,
जब ये बुलिश डाइवर्जेंस कंप्लीट हो जाएगी, इस जोन में हम आ जाएंगे जहां मेजरली ऑर्डर्स एक्यूमुलेटेड थे, वहां से जो बाउंस मिलेगा वहां से हम लोग फॉलिंग ट्रेंड लाइन एंड देन 16,800। तो ये 15,500 से लेके 16,800 तक की एक रेंज है जिसमें आप शॉर्ट टर्म बुलिश मूवमेंट्स को कैप्चर कर सकते हो इन माय ओपिनियन। अगर ये रेंज टूट जाती है, बुल्स मार्केट को टेक ओवर कर लेते हैं, देन वी विल लुक फॉर द टॉप फॉलिंग द टॉप ऑफ द फॉलिंग चैनल। एंड अगर ये चीज़ नहीं होल्ड करती, बेरिश प्रेशर कंटिन्यू रहता है, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट पहुँचेगी नेक्स्ट फेब लेवल तक, विच इज़ 38% इन नंबर्स अराउंड 14,300 टू 14,400। ये तो थी निफ्टी के चार्ट की डिटेल्ड टेक्निकल रीडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, कल मैं दो स्टॉक एनालिसिस पोस्ट करने वाला हूँ टेक्निकल रीडिंग्स के साथ इंडियन मार्केट के। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड लुक फॉर द टू स्टॉक रीडिंग्स, टेक्निकल रीडिंग्स ऑफ द टू स्टॉक्स फॉर द इंडियन मार्केट।